बच्चों कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू क्लास 11 बेटा, स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपको अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अकाउंट्स क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मोटिव क्या होता है। और कई बच्चे डरते हैं अकाउंट से, कई लेते नहीं हैं इसी वजह से कि अकाउंट बहुत मुश्किल है। मैं पूरा आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी फिर विचार आपका है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कॉमर्स विद मैथ और विदाउट मैथ्स की। देखो, बहुत सारे पेरेंट्स या टीचर आपको या फ्रेंड्स वगैरह सजेस्ट करते हैं, यार तुम कॉमर्स ले रहे हो, विदाउट मैथ्स ले रहे हो, तुम्हारा बेकार है, अच्छा तुम आर्ट्स ले लो, कॉमर्स विदाउट मैथ्स का कोई स्कोप ही नहीं है, कुछ कहीं एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये सारी गलत धारणा है। कॉमर्स विदाउट मैथ्स में सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, कोई भी कोर्स बच्चा कर सकता है, कहीं भी एडमिशन ले सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स जैसे कोर्स वो नहीं कर सकता। सिर्फ दो कोर्स हैं, कौन कौन से, बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स। ये दो कोर्स वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकता। उसके अलावा वो इको ऑनर्स की जगह कर सकता है बीए इन इकोनॉमिक्स, या बीकॉम ऑनर्स की जगह कर सकता है बीकॉम प्रोग्राम, या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकता है, जस्ट लाइक आपकी आईपी हो गई, आपकी जो दूसरी हैं जामिया हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एमएटी है, कहीं से भी वो कर सकता है। बी कॉमर्स हर जगह से कर सकता है, सिर्फ डीयू है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी सी, कि डीयू से बच्चा विदाउट मैथ्स वाला बी कॉम ऑनर्स और ई कॉमर्स नहीं कर सकता। बाकी सारे कोर्स कर सकता है बच्चा, सब कुछ कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई विदाउट मैथ्स है तो उसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने को ऐसा ना समझे कि बेकार है उसके लिए, उल्टा उसके लिए प्लस पॉइंट है। देखो, अगर मैथ्स है आपके पास अच्छा है, नहीं है तो और ज़्यादा अच्छा है। और ज़्यादा अच्छा इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ फोकस अकाउंट्स पे करना है, पूरा फुल फोकस आपका अकाउंट्स पे होगा। जो विद मैथ्स वाले थे उनका मैथ्स भी होता है, अकाउंट्स भी होता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है दोनों सब्जेक्ट के लिए, लेकिन अकाउंट्स वाले के लिए सिर्फ फोकस अकाउंट्स पे होता है, तो उसके लिए प्लस पॉइंट है ये, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे इस वक्त जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं सब आप इक्वल हो, चाहे किसी का 90% हो, चाहे किसी का 60% हो, चाहे 40% हो, सब इक्वल हैं। क्योंकि भाई देखो, अकाउंट्स आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आज मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे पहले अकाउंट्स का आपको ABCD भी नहीं आता था, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहे हैं हम। तो अब जो आप मेहनत करेंगे वो आगे काम आएगा। इससे पहले आपका क्या परसेंटेज था, पढ़ाई में कितने अच्छे थे, उससे इससे कोई लेने देने नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो 50% लाके 10th में पास होते हैं, बट आगे चल के वो इवन वो बच्चे CA बन जाते हैं। हैं मेरे कई स्टूडेंट जानता हूँ मैंने, जिन्होंने विदाउट मैथ्स लिया था, कॉमर्स ली, और आज की डेट में CA बन चुके हैं, अपनी फर्म चला रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि विदाउट मैथ्स वाला या कम परसेंटेज वाला कॉमर्स लेकर सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस वाले से और आर्ट्स वाले से उल्टा ज़्यादा स्कोप होता है कॉमर्स लेने से, बेनिफिट होता है, क्योंकि आपके ऑप्शन बहुत सारे ज़्यादा खुल जाते हैं, ठीक है। और तो शुरू करते हैं, अकाउंट्स क्या है, क्यों करते हैं, कैसे किया जाता है, मोटिव क्या होता है। देखो, पहले मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ हम बेस समझेंगे अकाउंट्स क्या है, क्यों करते हैं, और कौन कौन से नए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आज हम सिर्फ ये सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो आज सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा अकाउंट्स में करते क्या हैं। देखो, सबसे पहले समझा रहा हूँ ज़रूरत क्या है। लेट सपोज़ आपने एक दुकान खोली, ठीक है, 10th में मार्क्स कमाए, पापा ने कहा छोड़ पढ़ाई, चल दुकान खोल ले, ठीक है। तो चलो, आपने दुकान खोली गुप्ता जनरल स्टोर, गुप्ता जनरल स्टोर, पापा ने कहा भी पढ़ाई छोड़ दे, दुकान खोल ले। तो चलो, गुप्ता जनरल स्टोर आपने खोला नया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको दुकान खोलने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। आपको पता है दुकान खोलोगे तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होगी। लेट सपोज़ दुकान में, आपको पता है कोई भी दुकान खोलने में कम से कम 5-6 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है। लेट सपोज़ आपके पापा ने आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ये 5 लाख रुपए आपके पापा ने आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो जो पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट किया आपके पापा ने, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, यहाँ तो बात समझ आ गई बेटा, इन्वेस्ट, ठीक है। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप लोकेशन फाइनल करोगे कि दुकान खोलनी कहाँ पे है। लेट सपोज़ आपने सोचा कि चलो मैं मेन रोड पे खोलता हूँ, जो भी इलाका आपका है, ठीक है। लेट सपोज़ शकरपुर में खोला आपने मेन रोड पे, तो दुकान आप या तो खरीदोगे या रेंट पे लोगे। तो शुरुआत में रेंट पे लेना ठीक है, क्योंकि हो सकता है दुकान चले ना चले, अगर आप खरीद लोगे पैसा तो आपका ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए समझदार आदमी गुप्ता वैसे ही है, तो पैसों को एक एक बंदा सोच के लगाएगा। ये तो मिस्टर गुप्ता जी थे, उन्होंने क्या किया, रेंट पे लिया। सपोज करो दुकान का रेंट जो है वो 20,000 है, तो आपको पता है दुकान का रेंट जब लिया जाता है तो सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो हमने 3 महीने का रेंट दे दिया, यानी 60,000 रुपये दे दिए। 20,000 एक महीने का है, तो 3 महीने का कितना दिया हमने उसे, 60,000।
ठीक है, 2 महीने की सिक्योरिटी, 1 महीने का रेंट। सिक्योरिटी इसलिए ली जाती है कि कल को दुकान आप खाली ना करें, जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, दुकानें बंद हो गई अचानक, तो किराया मकान मालिक तो किराया लेगा ना, वो उसमें एडजस्ट कर लेगा, या फिर कई बार बंदा दुकान छोड़ के भाग जाता है, कुछ भी होता है, सिक्योरिटी एक सेफ्टी मेजर के पॉइंट से सिक्योरिटी ली जाती है। तो 2 महीने का 20,000 1 महीने का रेंट है और 2 महीने की उसने सिक्योरिटी ली, ठीक है। तो हमने उस बंदे को 60,000 रुपये रेंट दे दिए, हमारे हिसाब से 60,000 रुपये चले गए, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद दुकान में आप काम करवाओगे बेटा, रैक वैक बनवाओगे, गल्ले का जहाँ बैठोगे आप उसका बनाओगे, चेयर फर्नीचर वगैरह लगाओगे, इस काम में आपने फर्निश करने में, दुकान में फर्निश बोलते हैं इसे, फर्निश करने में आपने दुकान के अंदर करीब 1,00,000 रुपये लगा दिए, पूरा रैक बनवाया और अपना चेयर फर्नीचर वगैरह लेके आए, सब कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, इस काम में आपका 1,00,000 रुपये खर्च हो गया, ठीक है। चलो 1,00,000 रुपये यहाँ खर्च कर दिया आपने, 60,000 रुपये आपने रेंट पे कर दिया, यहाँ पे दो जगह आपने पैसे खर्च कर दिए। इसके बाद बेटा आपने दुकान में माल भी लेके आओगे, माल को हम बोलते हैं गुड्स, क्या बोलते हैं गुड्स, दुकान जो भी जनरल स्टोर में होता है, राशन पानी का सामान, चावल चीनी दाल वगैरह जो भी आप लेके आओगे, तो करीब करीब आपने 1,50,000 रुपये का माल ला के रख लिया, ठीक है। 1,50,000 का सामान आ गया, 1,00,000 रुपये के दुकान में आपने काम कराया और 60,000 आपने रेंट दे दिया, तो कितने रुपये खर्च कर दिया आपने, 1,50,000, 1,00,000, 2,50,000, 2,50,000 प्लस 60,000, 3,10,000 रुपये हम खर्च कर चुके हैं। अब कैश कितना बचा हमारे पास, 3,10,000, 5,00,000 में से चला गया, कितना बचा, 1,90,000, ठीक है भाई। यहाँ तक समझा रहे बेटा क्या हुआ, दुकान खोली हमने, दुकान में गुप्ता जी ने 5,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए अपने बेटे के लिए, दुकान का रेंट पे किया, दुकान में वुडवर्क कराया, रैक वैक बनवाया, काम वाम करवाया, फर्नीचर लगाया जहाँ बैठेंगे मिस्टर गुप्ता जी, उसके बाद दुकान के अंदर माल ला के रख दिया हमने, 1,50,000 का माल लिया है। अभी कैश हमारे पास 1,90,000 बचा हुआ, जो हमारे रूटीन खर्चों में काम आएगा भाई, दुकान में लड़का भी हायर करोगे आप, एक सर्वेंट भी तो रखोगे, सर्वेंट आपने रखा, चलो इसको डिसाइड हुआ 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ, जो अभी नहीं देना है वो तो जब महीना पूरा होगा तब देंगे उसे हम, ठीक है। 1,90,000 रुपये हमारे पास कैश बचा हुआ है। इसके बाद क्या होगा, जैसे दुकान खुल गई, ओपनिंग हो गया, गृह प्रवेश मतलब दुकान खुल गई, नारियल फोड़ के काम शुरू हो गया, पंडित जी ने आके सब कुछ कर दिया, शुभ लाभ लिख दिया, काम स्टार्ट, अब क्या करोगे बेटा आप, उसके बाद आप क्योंकि अभी स्टार्टिंग में स्मॉल स्केल पे तो हम लोग GST नंबर वगैरह नहीं ले रहे हैं, अभी हम नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं छोटे लेवल पे, जब बड़े लेवल पे आ जाएगा तो ये सब करने से पहले आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, GST नंबर के बेसिस पे आप काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हम सिंपल छोटी सी दुकान की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक अब 1 साल बाद मतलब 1 महीने या 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद में क्या हुआ भाई, जो 1,50,000 का माल है इसमें से कुछ बिकेगा, लेट सपोज हमने बेचा इसमें से करीब 1,00,000 का माल बेच दिया, अब जो 1,00,000 आपने बेचा होगा इसमें से कुछ कैश में बेचा होगा, कुछ क्रेडिट में बेचा होगा, भाई दुकान चला रहा तो उधार में तो बेचना ही पड़ेगा, तभी तो लोग आएंगे आपके यहाँ, अगर सिर्फ कैश करोगे तो बहुत कम लोग आएंगे आपके यहाँ। लेट सपोज हमने कैश में बेचा 30,000 और बाकी उधार में बेचा हमने 40,000 और 30,000 हमने बेचा जो पेटीएम वॉलेट होता है, पेटीएम आजकल ये भी बहुत चल रहा है, तो ये हमने कैश में बेचा, ये हमने उधार में बेचा और ये हमने पेटीएम वॉलेट वगैरह जो भी थे उनके थ्रू बेचा, ठीक है। कुछ ख़रीदा भी होगा भाई, दुकान में माल ख़त्म हो रहा है तो माल मंगाओगे भी, लेट सपोज आपने 80,000 का माल मंगा लिया, परचेज किया 80,000 का माल, ये भी आप कैश में खरीदोगे क्रेडिट में खरीदोगे, लेट सपोज आपने इसमें 50-50 है, 40,000 कैश में लिया आपने और 40,000 उधार में लिया। अब एक बात सोचो ज़रा आप, कितना कुछ हो रहा है बेटा यहाँ पे, कितना कुछ है, पैसे लगाए, पैसा आया, रेंट पे किया, फिर फर्निश करवाया, फिर दुकान में माल लाए, कितना सब कुछ चीज़ें हैं, क्या ये मिस्टर गुप्ता याद रख पाएंगे, हाँ अभी तो चलो गिनी 4-5 चीज़ें हैं, अभी तो चलो याद रह जाएंगे, लेकिन आगे चल के क्या होगा, 1 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी याद ही नहीं रहेगा कि कितने पैसे आए, कितने लिए, कितने देने हैं, किसको लेना है, क्या लेना है, ये पूरा मिक्सअप हो जाएगा। तो ये सब झंझटों से बचने के लिए हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ये सारा किसके अंदर आता है, अकाउंट्स के अंदर, इन्हीं सब को रिकॉर्ड को, इन्हीं सब सिस्टम को पूरे रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं अकाउंट्स, अकाउंटिंग जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग,
इसी को कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को जो हम स्टडी करेंगे कि कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या चीज़ें बनानी हैं, कितने पैसे आए, कितने गए, कितना लेना है, कितना देना, ये पूरे हिसाब किताब को हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स। समझ में अकाउंट्स क्या है बेटा? जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, जो भी बिज़नेस में लेन देन हो रहा है, लेन देन मतलब ट्रांजेक्शन, लेन देन को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन। तो जो भी लेन देन हुआ, जो सामान हमने खरीदा, जो रिकॉर्ड, जो माल आया, जो पैसे गए, उन सब लेन देन को हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। और कौन सी ट्रांजेक्शन लिखी जाती है? हम लिखते हैं यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये ध्यान रखना बेटा, ट्रांजेक्शन दो तरह की होती है। अब यहाँ पर हम रिकॉर्ड कौन से रिकॉर्ड का मेंटेन करेंगे? जो बिजनेस के अंदर लेन देन हो रहा है। मान लीजिए मिस्टर गुप्ता ने अपने घर में होम में टीवी खरीदा, तो क्या उसकी एंट्री होगी यहाँ पर? नहीं होगी, क्योंकि हम गुप्ता जनरल स्टोर का अकाउंट बनाएंगे, हम गुप्ता जनरल स्टोर के लिए अकाउंटिंग सीख रहे हैं, हमें इससे उसके पर्सनल में क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं है। बिजनेस के अंदर केवल वही चीज़ें लिखी जाएंगी जो बिजनेस के लिए हुई हैं, जो बिजनेस के अंदर है। वो पर्सनल कहाँ खर्च कर रहा है, बैंकॉक घूमने जा रहा है, दुबई जा रहा है घूमने, वो चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगी। यहाँ पर केवल बिजनेस की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड की जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। तो यही चीजें हमें सीखनी है इसमें, ठीक है? क्या क्या होता है, मैं आपको थोड़े थोड़े कुछ नए टर्म सिखा रहा हूं आपको। मैं देखिए, मिस्टर गुप्ता ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये जो 5 लाख रुपए लगाए इसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल मीन्स मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज अ कैपिटल। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं शुरू में, उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसके बाद गुड्स, गुड समझ गए, माल जिसका हम बिजनेस करते हैं। और दूसरा इसमें टर्म यूज होता है, अभी जो हमने फर्निश कराया ये होगा हमारा एसेट्स। क्या होगा? एसेट्स। जो भी हमने स्टॉक बनवाया, जो भी हमने रैक बनवाया माल माल रखने के लिए, इन सबको बोला जाता है एसेट्स। ये भी एसेट्स है, इसे भी एसेट्स बोलेंगे। एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी। जो बिजनेस की संपत्ति होती है उसे बोलते हैं एसेट्स। हम उसके घर की संपत्ति की बात नहीं करेंगे, घर के सामान को हम एसेट्स नहीं बोलेंगे, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। मैं बिजनेस के एसेट्स चाहिए। बिजनेस में क्या है? जो फर्निश कराया उसने उसे एसेट्स बोलेंगे, जो माल ले गया उसे एसेट्स बोलेंगे, जो पैसा रखा है ये भी एसेट्स है, ये सब एसेट्स होते हैं, ठीक है? तो यही सारे टर्म आज हम लोग सीखेंगे। तो पहली बात सबको आई समझ बेटा, अकाउंट्स क्यों करते हैं? कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें जो भी फाइनेंशियल जो लेन देन हो रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ठीक है? क्लियर? अकाउंटेंसी मतलब लेखा शास्त्र, यानी एक सब्जेक्ट हो गया, उसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग है, और हम इसे शॉर्ट में अकाउंट्स भी बोल देते हैं, बट होता ही अकाउंटिंग ही है। क्लियर? तो मैं आज आपको नए नए टर्म सिखा रहा हूँ। अब आप कॉपी खोलो बेटा, लिखना स्टार्ट करो नए नए टर्म्स के मतलब, जो जो मैं लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म आप लिखो बेटा कैपिटल, लिखो कैपिटल। सबसे पहला जो नया टर्म आज हम सीखेंगे, क्या नाम है उसका? कैपिटल। लिखो कैपिटल मीन्स, कैपिटल मीन्स मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस नोन एज अ कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस नोन एज अ कैपिटल, यानी वो पैसा जो बिजनेस के स्टार्टिंग में आप लगाते हैं उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है बेटा? नेक्स्ट नया टर्म लिखो बेटा, कैपिटल हो गया, कैपिटल क्लियर हो गया। अब लिखो बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज, बिटवीन द टू पार्टीज, और एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी को सामान देना, सामान लेना, बेचना, खरीदना, पैसे देना, ये सब क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन।
बिजनेस ट्रांजेक्शन। ध्यान रखना, हम केवल अकाउंट्स में बिजनेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जो बिजनेस के लेन देन होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो घर में वो लेन देन कर रहा है वो बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग अस्तित्व हैं, दोनों को अलग अलग व्यक्तित्व मान के चलते हैं। ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, और ट्रांजेक्शन हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। याद रखना, हमेशा ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखते। मालिक और बिजनेस को अलग मानते हैं। ऐसा होता है बेटा, कोई दुकान को चला रहा है, अब बताओ जिसने दुकान बनाई कल को डेथ हो गई तो क्या बिजनेस बंद हो जाता है क्या? नहीं होता ना, बिजनेस चलता रहता है, उसका बेटा बैठता है। फिर वो जैसे गोदरेज ले लो, टाटा ले लो, रिलायंस कंपनी ले लो, ये कंपनी आज की है क्या? बहुत पुरानी कंपनी है, कई की कंपनी 100 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन आज भी चल रही है। क्यों? क्योंकि मालिक बिजनेस अलग अलग हैं, क्योंकि जिसने मालिक की डेथ हुई उसके बिजनेस बेटे ने टेक ओवर कर लिया। तो ये क्यों होता है, क्यों ऐसा है? क्योंकि बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, चलिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन बता दिया मैंने आपको, कैपिटल बता दिया, अब लिखो बेटा एसेट्स। नया टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट्स, ASSETS, एसेट्स। देखो, एसेट मीन्स ब्रैकेट में लिख लो बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी। इसके मीनिंग लिखो, एसेट्स, एसेट मीन्स द प्रॉपर्टी ओन बाय, द प्रॉपर्टी ओन बाय And enterprises, the property owned by the enterprises, देखा, they are the economic resources of the business, they are the economic resources of the business. In nutshell, simple मैं बोलेंगे, asset means business property, यानी वो चीज़ें, वो संपत्ति जो उसके पास होती है उसे कहते हैं assets. Example लिखो बेटा, क्या है इसके asset के example? कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, बिल्डिंग, डेटर। कैश सबको पता है, समझ गया ना एसेट क्या होता है? एसेट मींस बिजनेस प्रॉपर्टी। चलिए, कैश, बैंक, फर्नीचर सबको पता है बेटा, स्टॉक जो हमारे पास माल पड़ा होता है दुकान के अंदर उसे हम स्टॉक कहते हैं, बिल्डिंग, डेटर, ये नया शब्द है आपके लिए, डेटर। डेटर मीन्स अ पर्सन हु बोरो मनी फ्रॉम अस, यानी किसी को अगर मैंने पैसा उधार दिया तो मैं उसको क्या बुलाऊंगा? डेटर। जब मैं किसी को पैसा उधार दूंगा उसे क्या बुलाऊंगा? डेटर। डेटर इज अ एसेट्स, क्योंकि मैं पैसा लेना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो पैसे में दे देगा। क्लियर हो गया सबको एसेट्स क्या है बेटा? एसेट मींस बिजनेस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी समझते हो ना, जमीन जायदाद, बिजनेस की, पर्सनल नहीं, बिजनेस की। तीसरा जो नया टर्म आज हम सीखेंगे वो है लायबिलिटीज। क्या है? लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, LABILITIES, लायबिलिटीज। लायबिलिटी मींस बोरोइंग्स, बोरोइंग्स, जो हम कैसे पैसा किसी से उधार लेते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लाइबिलिटीज, उधार लेना, कर्ज लेना, बोरोइंग्स। एग्जाम्पल, लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। लोन सबको पता है, लोन कर्ज लेना। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है? डेटर का उल्टा। अ पर्सन हु provide credit to us, जो हमें पैसा उधार दे उसे क्या बोलेंगे? creditor, और जो हमसे उधार ले उसे बोलेंगे debtor। शब्दों को पकड़ो बेटा, creditor means जो हमें उधार दे रहा है, debtor means जो हमसे उधार ले रहा है, ठीक है। और bills payable, bills payable क्या होता है? जैसे मैंने किसी से पैसा उधार लिया और कल को उसे मुझ में फेथ नहीं है, वो क्या करेगा? एक कागज़ में मुझसे लिखवा के साइन करा लेगा, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल्स पेबल। दोनों वही हैं, पैसा उधार लिया, यहाँ पे क्या कोई प्रूफ नहीं है, मैंने पैसा किसी से उधार लिया लेकिन कोई वर्बली है,
और यहाँ पे क्या है, मैंने जिससे पैसा उधार लिया उसने मुझसे एग्रीमेंट साइन करा लिया, तो उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं बिल्स पेपर। ठीक है बेटा, फ़र्क आ गया समझ में? अभी आते रहेंगे नए नए शब्द, लिखते रहो बेटा, बस आज यही करना है आपने। अकाउंटिंग में जो नए नए शब्द इस्तेमाल होने वाले हैं उन शब्दों को हम समझेंगे। ठीक है, लिख लिया बेटा, लाइबिलिटी का मीनिंग लिख लो। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। ठीक है, जो उधार लेते हैं हम किसी से, हमें किसी को चुकाना है, उसे कहते हैं लाइबिलिटीज। ठीक है, एक और नया टर्म आज हम सीखेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग ड्रॉइंग्स। क्या? ड्रॉइंग्स, DRAWINGS, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग मीन्स मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मनी विड्रॉन फॉर मनी और गुड्स, कुछ भी ले सकते जा सकता है, मनी और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जब बिजनेस से कुछ सामान या पैसा निकाल के घर लेके जाता है उसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं। कोई बंदा जब बिजनेस से कुछ पैसा या सामान घर लेके जाता है उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अभी बताया था उन्हें गुप्ता जनरल स्टोर दुकान थी उनकी, मम्मी ने फ़ोन किया, बेटा आते हुए काम करियो 2 किलो चावल ले आइयो। उठाया चावल, घर लेके चला गया, क्या मम्मी से पैसे मांगेगा? आप बताओ, आप आपकी अपनी दुकान है, मम्मी अगर कुछ सामान मांगेगी तो मम्मी से पैसे मांगोगे? मतलब ही नहीं, अपना घर है यार, पैसे क्या मांगने, मांगो मम्मी ने चपेट मार देनी क्या? सिंपल सी बात यार, मम्मी से कैसे पैसे मांग सकते हो? तो ऐसे में जो बिजनेस से सामान निकाला आपने, वो अपने घर के लिए लेके गए, तो उसे बोलेंगे ड्राइंग। जब हम बिजनेस से कुछ पैसा या सामान निकाल के अपने निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है ड्राइंग। क्लियर? ठीक है, चलिए अब मैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा। अब लिखिए बेटा, सबसे हेडिंग डालो पर टाइप्स ऑफ एसेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स बेटा आपके 5 तरह के होते हैं। पहला, फिक्स्ड एसेट्स, इसे नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स। फिर दूसरा, इसी के अंदर आता है टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। फिर आता है करंट एसेट्स। फिर आता है आपका फिक्शिशियस एसेट्स। आज हम इनके बारे में सीखेंगे क्या क्या है, एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एसेट्स। नंबर 1, फिक्स्ड यानी नॉन करंट एसेट्स, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल, फिर आता है करंट, फिर आता है फिक्शिशियस। ठीक है, अब इनके बारे में मैं लिखवा रहा हूँ बेटा, नोट करो, लिखना स्टार्ट करो, लिखो। सबसे पहले फिक्स एसेट्स लिखो। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर परचेज नॉट फॉर रीसेल, इट इज परचेज फॉर यूज इन द बिजनेस। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर परचेज नॉट फॉर रीसेल, इट इज परचेज फॉर यूज इन द बिजनेस फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेस। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल कार मशीन, एग्जाम्पल लिखो बेटा, कार मशीन बिल्डिंग। अब हिंदी में समझो क्या है, फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि हम बेचने के लिए नहीं खरीदते बल्कि इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं, बिजनेस में यूज करके उससे सामान बना के बेचेंगे। भाई फैक्ट्री ली हमने, क्यों फैक्ट्री ली? वहाँ पे हम अपनी मशीन लगाएंगे। फर्नीचर क्यों लिया? हमारे एम्प्लॉयज़ बैठेंगे। बिल्डिंग क्यों ली हमने? वहाँ पे माल रखेंगे। तो ये सारा क्या, ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो हम एक बार खरीदते हैं और कई साल तक चलते हैं,
और इनको ख़रीदने का मकसद बेचना नहीं होता, बल्कि इनसे सामान बनाना या इनको यूज़ करना होता है हमारा मकसद। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीदते बल्कि इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं, ताकि बिज़नेस को हम और बढ़ा सकें और उसको अपने माल को बना के बेच सकें, बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ा सकें। इसलिए हमारा मकसद होता है एसेट्स खरीदना, इसे कहते हैं हम लोग फिक्स एसेट्स, क्योंकि महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, इनको हम बार बार नहीं खरीद सकते और एक बार खरीद लेते हैं कई साल तक यूज़ करते हैं, इन्हें कहा जाता है फिक्स्ड एसेट्स। अब इसके अंदर आते हैं टेंजिबल। अब लिखो बेटा टेंजिबल एसेट्स, लिखो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट मीन्स विच कैन बी सीन टच और फेल्ट, विच कैन बी सीन टच और फेल्ट, मतलब वो एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है टेंजिबल एसेट्स। जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है टेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इनको छू सकते हो बेटा, देख भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो छू के, इन्हें कहा जाता है टेंजिबल एसेट्स। अब लिखो बेटा इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जिसको हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, दीज आर दोज एसेट विच डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब सोचोगे जिसको छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, वो हमारा एसेट कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सबसे पहले लिखो बेटा गुडविल, सबसे पहले लिखो गुडविल, गुडविल पहले लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा बेटा क्या क्या है गुडविल। फिर लिखो कॉपीराइट, कॉपीराइट, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर। ठीक, अब एक करके समझते हैं। सबसे पहले लिख लो गुडविल, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप बेटा शॉपिंग करने तो जाते हो सब लोग, तो आप शॉपिंग करने जब जाते हो तो कहाँ से सामान लेना पसंद करते हो, मॉल में या लोकल शॉप से? ऑब्वियस मॉल से लेना चाहते हो। मॉल में भी कहाँ पे? जो ब्रांडेड शोरूम होते हैं वहाँ से आप सामान लेना पसंद करते हो, कपड़े वहीं के आपको पसंद आते हैं, नाइकी, प्यूमा, एडिडास, स्केचर्स, ये सब चीज़ें लेना पसंद करते हो। लेकिन आप जब देखोगे तो नाइकी, प्यूमा, एडिडास जो इनके शूज़ हैं, अगर आप शोरूम से लोगे इनके, तो वहाँ पे आपको कम से कम जो पसंद आएगा वो 4-5 हज़ार का पसंद आता है। ठीक है, जब नॉर्मल आप लोकल शॉप से लेते हो तो वही आपको जूते 1000, सेम ब्रांड नहीं, लोकल ब्रांड, लोकल ब्रांड आपको 1500 रुपये में मिल जाता है, बट डिफरेंस है, वहाँ पे वो जूता आपको 5000 का पड़ रहा है और जो लोकल शॉप से ले रहे हो वो आपको 500-600 हज़ार रुपये का पड़ रहा है। डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है, क्वालिटी में डिफरेंस है, एक लोगों में डिफरेंस है, बाकायदा पैकिंग अगर आप देखें किस तरह से दिया जाता है, सब कुछ डिफरेंस है, बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक बात सोचो, जो उसके जूते के बनाने की कॉस्ट आ रही है, जो आपको 1000 रुपये में बेच रहा है, उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही होगी? 500-600 रुपये कॉस्टिंग आ रही होगी। और वो जो 5000 का बेच रहा है आपको, 10000 का बेच रहा है, उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है? उसकी भी कॉस्टिंग इतनी आती है, 1000-1200, इससे ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती। ये सारे के सारे ब्रांडेड शूज़ एक ही जगह बनते हैं, बाद में इनकी लेबलिंग की जाती है, हरियाणा में फैक्ट्री है इनकी, सारे जूते वहीं पर बनते हैं, सारे कोई भी ब्रांड हो वहाँ बन जाते हैं, वो बन के आते हैं, उसके बाद वहाँ से कंपनी उठाती है, अपने अपने ब्रांड लेबल लगाती है, तो ब्रांडिंग बाद में की जाती है और ब्रांडिंग करने के बाद ही उसकी कीमत बनती है। अगर आप हरियाणा की उस फैक्ट्री से जाके उठाओगे आपको वही जूता 1800 रुपये में पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो सिंगल पीस नहीं देगा, वो सीधे 10000-15000 ऐसे में बेचते हैं, होलसेल होते हैं ना, वो सिंगल पीस नहीं देते, तो वहाँ पर उनको जो कंपनी वाले उठाते हैं उनको वो पड़ता है 800-1000 रुपये का एक पेयर पड़ता है, और वो आपको कितने में देते हैं? 5000 के। क्यों? क्योंकि उसके बाद उन्होंने ब्रांडिंग की है, उस ब्रांड के पैसे लेते हैं, गुडविल के पैसे, उसी को कहते हैं गुडविल। गुडविल मींस ब्रांड वैल्यू। क्या होती है गुडविल? ब्रांड वैल्यू। जब कोई चीज़ आप लेते हैं, आप देखेंगे बाजार में दो तरह के सामान होते हैं, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड। ब्रांडेड जो होता है महंगा होता है, बिकॉज ऑफ गुडविल, बिकॉज ऑफ गुडविल।
जैसे नॉर्मल आप पेन लेते हो, ये जो लोकल पेन आते हैं 500 रुपये 10 रुपये में आ जाते हैं, आपको लेना है पार्कर। पार्कर लेने जाओगे कितने का आएगा, वो आपको 150 रुपये का पड़ेगा सबसे सस्ता, 150, 500, 600, 1000, फिर तो 10-15 हज़ार तक का आ जाता है पेन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिखिएगा तो वही भाई, राइटिंग तो सेम ही आएगी, ये थोड़ी कि वो जादुई पेन है कुछ एक्स्ट्रा करेगा, जैसी राइटिंग आपकी वैसी आएगी। बट एक ब्रांड होता है, उसको लगा के बंदा थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो वही कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं तो ब्रांडेड चीज़ें हमेशा महंगी होती हैं बिकॉज ऑफ गुडविल। तो गुडविल जो है वो देखने की चीज़ नहीं है, लेकिन पे करने की चीज़ है। गुडविल जो है वो देखने की चीज़ नहीं है, चूँकि क्या महसूस करोगे आप बताओ मुझे, अगर मैं आपको पट्टी बांध के आपको जूता दिखाऊं, मैं चाहे नाइकी हो चाहे पिमडा, छूके क्या महसूस करोगे आप, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। पहनना तो पैर में ही है, पेन लेके आओगे आंख में पट्टी बांध के अगर मैं आपको पेन छुआता हूँ, मैं कहता हूँ बताओ बेटा कौन सा पेन है, आप पहचान ही नहीं पाओगे, आपके तो नॉर्मल पेन है। तो सेम वही चीज़ है, ब्रांड जो होता है वो सिर्फ ब्रांड के पैसे चार्ज किए जाते हैं, ब्रांड को ना आप छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना महसूस कर सकते हो, लेकिन हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं, उसी को कहते हैं गुडविल। जब किसी की रेपुटेशन बन जाती है तो वो अपने एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है, वही एक्स्ट्रा पैसे गुडविल कहलाते हैं। ठीक है, अब स्कूल को ले लो, हर स्कूल की फीस अलग अलग होती नहीं होती है, कोई बहुत बड़े बड़े ब्रांड स्कूल होते हैं वो ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, क्यों, जैसे पाथवेज है आपका, आपका ये MAT है, आपका DPS है, इनकी अपना एक फीस स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्कूल से डबल चार्ज करते हैं क्योंकि अपना ब्रांड है ये। समझाया क्या होता है गुडविल, गुडविल मीन्स ब्रांड, और ब्रांड जो छूने की चीज़ नहीं है, देखने की चीज़ नहीं है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा पैसे हमें देने पड़ते हैं, दिस इज़ ए इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल के बाद मैंने बताया आपको कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, जैसे बुक आप पढ़ रहे हो, ये बुक किसकी है, ये बुक बेटा TS ग्रेवाल ने लिखी है, छापे सुल्तानचंद ने। आप देखो कि TS ग्रेवाल की जितनी भी बुक्स मार्केट में मिलती हैं सारी बुक सुल्तानचंद छापता है, क्यों, सुल्तानचंद के पास TS ग्रेवाल का कॉपीराइट है कि जितनी बुक भाई लिखेगा सारी बुक एक छापेगा, दिस इज़ अ कॉपीराइट, कोई दूसरा पब्लिशर इस बुक को कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, इसी को कहते हैं कॉपीराइट। जैसे सीरियल वगैरह देखते हो आप देखते हो ना, वो बचपन में देखते थे आप, CID, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, डोरेमोन, ये सब जो सीरियल है आपके, आपको याद है, ये सिर्फ एक सेट चैनल पे आते हैं। CID कौन से चैनल पे आता है, सोनी पे, और किसी पे आता है, नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि उसका कॉपीराइट सोनी के पास है, इसी को कहते हैं कॉपीराइट। क्या कहते हैं इसे, कॉपीराइट, कि वो चीज़ सिर्फ वो दिखा सकता है, कोई और नहीं दिखा सकता, क्लियर है कॉपीराइट क्या होता है। फिर आता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट कॉपीराइट सिमिलर होते हैं, पेटेंट होता है किसी चीज़ को दिखाने का राइट और पब्लिश करने का राइट, और पेटेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग राइट, ये सिर्फ मैं मैन्युफैक्चर करूँगा या उसका डिज़ाइन मेरे पास है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आईफोन देखा है बेटा आपने, आईफोन का जो डिज़ाइन है क्या सेम डिज़ाइन में किसी और कंपनी का मोबाइल आता है, सेम फीचर्स में नहीं आ सकता ना, क्योंकि एप्पल ने उसका पेटेंट करा रखा, रजिस्टर्ड है, कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि वो एप्पल के नाम से रजिस्टर्ड है, तभी तो एप्पल उसे मैन्युफैक्चर करके बेचता है, बिकॉज ऑफ एप्पल हैज़ अ पेटेंट, एप्पल ने उसका पेटेंट करा रखा है। तो इस तरह कोई नई चीज़ जब आती है तो मार्केट में लोग जो उसके होते हैं, जैसे भी आपका कोरोना चल रहा है, कोरोना जैसे इसके जिस भी कंट्री जो उसकी दवाई बना लेगी, अपने नाम से रजिस्टर करा लेगी, तो उसके नाम से बिकेगी वो, उसी कहते हैं पेटेंट, कि ये चीज़ मैंने मैन्युफैक्चर की है, मैंने रजिस्टर करा ली है, मैं अपने नाम से बेचूंगा, उसे कहा जाता है पेटेंट। तो कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, तीनों चीज़ें सिखा दी मैंने आपको बेटा। सॉफ्टवेयर भी होता है, जैसे आप कोई गेम खेलते हो, कोई ऐप देखते हो, तो वो एक नॉर्मल CD में होता है या पेन ड्राइव में होता है, लेकिन देख के समझ में आता है कि पेन ड्राइव देख के पहचान लेते हो अंदर क्या चीज़ है, नहीं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर घुसोगे थोड़ी, आप यूज़ करते हुए आपको पता चलेगा क्या चीज़ है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, एसेट्स जिसको हम नहीं छू सकते उसे कहा जाता है इनटेंजिबल एसेट्स। अब आते हैं बेटा करंट एसेट्स पे, लिखो करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इंटू मनी विद इन ए ईयर। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इंटू मनी विद इन ए ईयर। यानी ऐसे एसेट्स जो हमारे पास फ्लो में रहते हैं, जो आते जाते रहते हैं, चेंज होता रहता है, उसे कहते हैं करंट एसेट्स, जिसको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं या कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, ये सारे हमारे करंट एसेट्स हैं। कैश, पैसा आता जाता रहता है, फ्लो में रहता है, पैसा आया पैसा गया। ये थोड़ी कहोगे कि वही 100 रुपये का नोट लेके बैठे रहोगे आपके, नहीं मैं तो उसे दूंगा ही नहीं किसी को, यूज़लेस है ना।
पैसा बेटा फ्लो में रहता है, आया गया आया गया। बैंक बैंक बैलेंस वो भी चेंज होता रहता है। स्टॉक जो माल आपने दुकान में रखा है वो भी आता जाता रहता है, बिकता रहता है, आया गया। कैश बैंक स्टॉक डेटर, डेटर मैंने अभी आपको लिखवाया था। डेटर मींस, नहीं लिखा तो नोट कर लो, डेटर मींस अ पर्सन हु बोरो मनी फ्रॉम अस, जो हमसे पैसा उधार ले उसे क्या बोलेंगे, डेटर। क्या बोलेंगे, डेटर। अब लास्ट आपने फिक्टिशियस एसेट्स, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, समझना मुश्किल होता है, क्योंकि अभी नए नए अकाउंट्स में हो ना। बाकी चीज़ें क्लियर होगी बेटा, फिक्स करंट टेंजिबल इनटेंजिबल, ये लिखिए फिक्टिशियस एसेट्स, FICTITIOUS, फिक्टिशियस एसेट्स। दीज आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल। दीज आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल। These are capital losses, which return off in more than one year। मतलब ये बेटा हमारे एसेट्स ना होके हमारे वो नुकसान होते हैं जिनको आने वाले साल में हम बुक में से धीरे धीरे करके हटाते हैं। यानी कि ऐसा नुकसान जो हमें ज़्यादा अमाउंट का हो गया जिसको हम डाइजेस्ट धीरे धीरे करके करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके पापा ने 10th पास होने पे आपको मोबाइल दिलाया, आईफोन, ठीक है, 1 PT का फ़ोन, 1 लाख का फ़ोन था आपका, खूब चमकाया आपने, लोग इंस्टा पे फोटो डाली, खूब रोज़ टिकटॉक बना रहे हो दिन में 2 बार, बढ़िया एकदम। एक हफ्ते बाद मार्केट में आपके हाथ से चोरी हो गया, कोई लेके भाग गया, दुख होगा, अच्छा खासा दुख, क्या सदमा लगेगा। बच्चा 1 हफ्ते तक तो घर से निकलेगा नहीं, बात नहीं करेगा किसी से, गुमसुम रहेगा, आवाज़ चली जाएगी उसकी, भाई 1 लाख का फ़ोन चला जाए वो भी तो पापा भी नया तो तुरंत दिलाएंगे नहीं, भाई 1 लाख का फ़ोन आपके हाथ से चोरी हो गया। अब उसको आप उस चीज़ को हजम करने में आपको 1 से 2 महीना लग जाएगा, तब जाके सदमे से उभर पाओगे आप। तो वो जो नुकसान हुआ वही हमारा यही है, फिक्टिशियस एसेट्स, यानी ऐसा नुकसान जो बहुत ज़्यादा हो गया हमें और उसको बुक में से हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेंगे। मैंने जैसे कहा ना, उस गम से आप धीरे धीरे करके बाहर निकलोगे, 1-2 महीना 3 महीना लग जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज़, यानी वो नुकसान जिसको बुक में से हम लोग धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं उसे कहते हैं हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स। ये हमारा एसेट्स ना होके बल्कि नुकसान है, लेकिन कौन सा नुकसान, वो नुकसान जो कि बड़ा अमाउंट है जिसको हम लोग बुक में से धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं, हटाते हैं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। अभी हम एसेट्स पे थे, अब लिखो बेटा टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, जो बेटा बता रहा हूं लिखते रहो, समझते रहो उसे। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज लिखिए, नंबर 1, 2 तरह की होती हैं, एक होती है करंट लायबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, और एक होती है कंटिजेंट लायबिलिटी। ये इस चैप्टर में नहीं है फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको, कंटिजेंट लायबिलिटी। चलिए समझते हैं क्या करके, पहले लिखो बेटा करंट लायबिलिटी, लिख लो फिर समझाता हूँ आपको बेटा। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ ईयर। करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ ईयर, यानी ऐसी लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करनी है उसे कहते हैं करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझो क्या करके बेटा, ऐसी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करनी है उसे क्या बोलेंगे हम, करंट लायबिलिटी। बात क्लियर। एग्जांपल क्रेडिटर्स, मीनिंग लिखवाया था मैंने, नहीं लिखा दोबारा लिख लो। क्रेडिटर मींस
अ पर्सन, क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन हु प्रोवाइड क्रेडिट टू अस, अ पर्सन हु प्रोवाइड क्रेडिट टू अस, जो हमें उधार दे उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन हु प्रोवाइड क्रेडिट टू अस, जो हमें उधार दे उसे बोलेंगे क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल बताया था मैंने आपको, क्या फर्क होता है, उधार दोनों ही हैं, बस यहाँ पर हमने उधार लिया वर्बली, उसे कुछ लिख के नहीं दिया, यहाँ पर क्या है हमने उसको एग्रीमेंट साइन करके दे दिया, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल। तो लिख लो, बिल्स पेबल इज अ डॉक्यूमेंट, बिल्स पेबल इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय, इशूड टू क्रेडिटर फॉर अमाउंट ड्यू। एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम इशू करते हैं क्रेडिटर को, किस लिए, अमाउंट ड्यू के लिए, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग बिल्स पेबल। अब बेटा आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आपके लिए नया शब्द है, बैंक ओवरड्राफ्ट, नोट करो मीनिंग क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू हिज कस्टमर फॉर एक्सेस मनी विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक, फॉर एक्सेस मनी विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक। इसका मतलब कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा पैसे जब हम निकाल लेते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ज़रा सोचो ये क्या पॉसिबल है, आपके अकाउंट में अगर 5,000 रुपये हैं तो अगर बैंक से 6,000 रुपये निकाल सकते हो, नहीं। अगर मान लो आपके अकाउंट में 5,000 रुपये हैं, आपने किसी को चेक काट के दिया 6,000 का, चेक आपका बाउंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फैसिलिटी मिली हुई है, चेक आपका क्लियर हो जाएगा, आपके अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा -1,000। क्या हो जाएगा, -1,000। तो यानी ये ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो बैंक अपने ग्राहक को देता है, और इस फैसिलिटी के अंदर अकाउंट्स आपका माइनस में जा सकता है, लेकिन उतना ही जा सकता है जितना बैंक ने आपको अलाउ किया है। तो ये फैसिलिटी है जो बैंक अपने ग्राहक को देता है, ये जैसे मुझे पैसे चाहिए, अब मैं बैंक से लोन लेने जाऊँगा, कितनी फॉर्मेलिटी है, तो ओवरड्राफ्ट में फॉर्मेलिटी नहीं होती, ओवरड्राफ्ट विद इन अ डे, उसी दिन के अंदर पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये बिजनेसमैन बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं, तुरंत चुकाना होता है, तो फटाफट चाहिए होता है, इसलिए वो लोन की जगह ओवरड्राफ्ट प्रेफर करते हैं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं ओवरड्राफ्ट के अंदर, ये फ़ायदा होता है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो बैंक अपने कस्टमर को देता है, इस फैसिलिटी के अंदर कस्टमर अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकता है, लेकिन हर कस्टमर नहीं कर सकता, जिसको बैंक ने अलाउ किया है वही कर सकता है, और जितनी लिमिट बोली है उतना ही कर सकता है। पॉइंट क्लियर बेटा, जितनी लिमिट बैंक ने बोली उतना ही कर सकता है ओवरड्राफ्ट, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी वो एक्सपेंसेस जो कि आउटस्टैंडिंग है, जिसकी आपने पेमेंट नहीं की, जैसे मोबाइल का बिल आ गया आपका, बिजली का बिल आ गया घर में पड़ा हुआ है, आपने पे नहीं किया, वो क्या है, आपकी लायबिलिटी है, यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं पे करोगे बिजली का कनेक्शन काट देंगे वो। यानी ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसी लायबिलिटी जो आपको पे करनी है उसे कहते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यानी ये वो लायबिलिटी जिसकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करनी होती है, ठीक है। अब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी पे। देखो बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज दीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर वन ईयर, जिसकी पेमेंट हम 1 साल के बाद करते हैं उसे कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल क्या है लोन, डिबेंचर। अब ये नया शब्द आ गया आपके लिए, डिबेंचर। डिबेंचर होता क्या है ये हम लोग बहुत आगे चल के पढ़ेंगे, डिबेंचर शेयर्स। तो होता क्या है, जैसे कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, या तो बैंक से लोन ले ले, और दूसरा ऑप्शन होता है पब्लिक से लोन ले ले। पब्लिक से कैसे लोन ले सकती है, अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो अपने नाम पे वो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर देगी कि भाई कंपनी को इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे कंपनी को उधार दे देंगे, तो जो उधार देगा उसको कहेंगे हम डिबेंचर, ठीक है। ये भी एक तरह का लोन ही होता है, लेकिन जो लोन हम
पब्लिक से लेते हैं, आम जनता से लेते हैं, उसे कहते हैं डिबेंचर, ठीक है। और लोन हम किसी बैंक से लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चल के बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी फिलहाल इतना समझ लो कि लोन ही है, लोन का छोटा भाई है, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए अब बात करते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी की। लिखो बेटा, कंटीजेंट लायबिलिटी, दीज आर दोज लायबिलिटीज विच डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट्स। दोज लायबिलिटीज विच डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट्स इज नोन एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। यानी वो लायबिलिटी जो अभी नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसे कहते हैं हम कंटीजेंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो अभी नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसे कहा जाता है कंटीजेंट लायबिलिटी। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपका गांव से रिश्तेदार आया, कोई आपके साथ रह रहा था, नौकरी लगवा दी पापा ने आपके, उसकी शुरू हो गई जॉब, अच्छा कमाने लगा, तो उसने एक कमरा एक कहीं रूम रेंट पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसको लगा कि नहीं यार मकान खरीदना चाहिए, तो उसने मकान के लिए अप्लाई किया लोन के लिए। अब लोन के लिए आपको पता है लोन के लिए गारंटर चाहिए होता है, लोन के लिए क्या चाहिए होता है, गारंटर। आपके पापा क्योंकि रिश्तेदार था तो आपके पापा ने गए बैंक में साइन करके लोन दिला दिया बंदे को। लोन किसने चुकाना है, आपके पापा ने, उसने ऑब्वियस उस बंदे ने चुकाना है जब लोन उसने लिया है। दो साल बाद बंदा भाग गया, अब कौन चुकाएगा, अब आपके पापा चुकाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके पापा गारंटर बने थे। तो यानी कि जब तक वो बंदा दिल्ली में था तब तक आपके पापा की लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन जब वो बंदा दिल्ली से भाग गया तो आपके पापा की लायबिलिटी बन गई। यानी ऐसी लायबिलिटी जो अभी नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसे कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। जो हो भी सकती है आगे, अगर मान लो बंदा पूरे साल ही रहेगा, पूरा लोन चुका देगा, तो आपके पापा की लायबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन जब उसके भाग जाने के बाद आपके पापा की लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, उसे कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, जो अभी नहीं है बट इन फ्यूचर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे कहते हैं हम कंटीजेंट लायबिलिटी। क्लियर। चलिए, एसेट्स हो गया, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज हो गई, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब कुछ छोटे छोटे नए नए शब्द हैं, पहले वो समझाता हूँ मैं आपको। अकाउंट्स में बहुत सारे शब्द हैं जो पहले से जानते हो, जिसका मतलब आपको पता है। जैसे बताओ बेटा, परचेस क्या होता है, खरीदना, सेल बेचना, सेल रिटर्न, हमने किसी को बेचा, माल खराब था उसने वापस कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या क्या नए नए शब्द हैं, परचेजेस सबको पता है बेटा, खरीदना, परचेज करना, सेल बेचना, सेल्स रिटर्न, मतलब हमने किसी को बेचा था उसने माल वापस कर दिया, सेल रिटर्न, माल वापस आ गया। इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, क्या, छोड़ो चलो आगे चल के देखेंगे, सेल्स रिटर्न। फिर होता है परचेज रिटर्न, मतलब हमने माल किसी से लिया, माल खराब था हमने वापस कर दिया, कोई हमें लौटाएगा सेल्स रिटर्न, हम किसी को लौटाएंगे परचेज रिटर्न, ठीक है बेटा। इसके अलावा और नए नए टर्म्स हैं, दूसरा जो वर्ड इसमें यूज होता है डिस्काउंट पता है सबको, डिस्काउंट छूट, कम करके बेचना, जैसे 100 रुपये का सामान है 90 में बेच रहे हो तो 10 रुपये क्या है, डिस्काउंट, ठीक है। इसके अलावा एक और नया शब्द आ रहा है बैड डेप्ट, ये आपके लिए नया है, लिखो बेटा बैड डेप्ट, लिखो मीनिंग इसका। बैड डेट मीन्स द अमाउंट विच कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, द अमाउंट विच कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, यानी ऐसा अमाउंट जो हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाए। हमने किसी को पैसा उधार दिया, उसने कहा ठीक है मैं दूंगा, कल परसों लगाता रहा, फिर एक दिन भाग गया, मिला ही नहीं आपके, क्या हुए, पैसे डूब गए। जैसे होता ना, आपने किसी दोस्त को पैसे दिए यार, उसने कहा 100 रुपये चाहिए यार मुझे ये काम करना है, हमने दे दिया, मांगे जा रहे हो दे ही नहीं रहा है, गोली दिया जा रहा है, क्या हुए पैसे आपके, डूब गए। तो ऐसा पैसा जो हम रिकवर नहीं कर पाते उस पैसे को क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट, बैड यानी गंदे डेटर, वो डेटर जिन्होंने पैसे नहीं दिए उसे क्या बोलेंगे हम, बैड डेप्ट यानी गंदे डेटर।
ठीक है, क्लियर। और एक और नया टर्म आ रहा है इसमें, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये भी नया शब्द है आपके लिए, नोट करो बेटा। डेप्रिसिएशन का मीनिंग, डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द प्राइस ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर। कोई चीज जब लगातार इस्तेमाल की जाती है, नोट कर लो पहले मीनिंग, डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द प्राइस ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर। कोई चीज़ जब लगातार यूज़ की जाती है तो यूज़ करने से क्या होता है, उसका प्राइस कम होता जाता है, तो जो कीमत में जो गिरावट होती है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे आपने स्कूटी खरीदी, ठीक है, स्कूटी खरीदी आपने 2016 में, 60,000 की ली थी, आज कितने की होगी, 20,000 25,000। क्यों भाई, आपने 3 साल 4 साल चला ली, अब तो वैल्यू उसकी कम हो गई ना, क्योंकि लगातार एसेट को यूज़ करने से उसका प्राइस कम होता जाता है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फॉल इन द प्राइस ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर। कोई चीज़ जब इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है, तो आप देखें उसका प्राइस कम होता जाता है, तो उसी को जो कीमत में जो गिरावट होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस यानी खर्चे। खर्चे आपके दो तरह के होते हैं, एक्सपेंसेस, खर्चे दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक और होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इन पर चर्चा करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी वो खर्चा जो मैं बार बार पे करना है, रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है, इंश्योरेंस पे करना है, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। वो खर्चा जो हम कभी कभी करते हैं, बिल्डिंग खरीद ली, कार ले लिया, मोबाइल खरीद लिया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। वो खर्चा जो बार बार होता है उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो खर्चा हम कई साल में एक बार करते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लिख लो बेटा मीनिंग, लिखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स those expenses which incurred and the benefit is consumed during the year. Those expenses which incurred and the benefit is consumed during the year. Example, rent, salary, insurance. अब लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, those expenses which incurred and the benefit is consumed more than one year. जैसे परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ मोबाइल, परचेज ऑफ लैपटॉप, ठीक है बेटा। ये खर्चा जो हम बार बार पे करते हैं उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये वो खर्चा जो हम कई साल में एक बार पे करते हैं, फ़ायदा लंबे समय तक मिलता है, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब लिखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। These are those expenses which incurred during the year and written off in more than one year. Known as a deferred revenue expenditure. वही सेम fixed assets की तरह, यानी वो खर्चा जो हमने पे तो एक बार किया लेकिन उसको हम रिटर्न ऑफ थोड़े थोड़े समय में करते हैं, उसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल लिखो बेटा, एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट, जो एड पे हम खर्चा करते हैं, जो हम प्रचार पे खर्चा करते हैं, जो हम पोस्टर बैनर और खूब सेल प्रमोशन पर जो खर्चा करते हैं, तो ज़रूरी नहीं उसका बेनिफिट मिले, ज़रूरी नहीं उसका बेनिफिट मिले, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो अपने आप बिकेगा, लेकिन लोगों को बताना तो पड़ेगा। तो इस तरह का जो खर्चा जो हम प्रचार पर खर्चा करते हैं वो हमारा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसकी उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा हम श्योर नहीं होते। तो जितना भी उस अमाउंट पे खर्चा करते हैं उसको हम लोग एक साल के प्रॉफिट लॉस में ना दिखा के नंबर ऑफ ईयर्स में राइट ऑफ करते हैं, उसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि ऐड पे हमने जितना भी पैसा खर्च किया है वो तो अभी किया है, लेकिन ऐड का फ़ायदा तुरंत ही मिलता, ऐड का फ़ायदा लंबे समय तक मिलता है धीरे धीरे करके, और श्योरिटी नहीं है कि मिलेगा। मान लो प्रोडक्ट ही ख़राब है, कितना ऐड पे खर्च कर लो नहीं बिकेगा वो, ठीक है। तो ऐड का बेनिफिट आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो इसलिए हम उसको डेफर्ड लेके चलते हैं कि उसको जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग आने वाले साल में धीरे धीरे करके प्रॉफिट लॉस में राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। आज मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया, कैपिटल के बारे में बताया, बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में बताया, लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया। अच्छा, इसमें एक और नया टर्म आप सीखेंगे, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में अकाउंट। अब अकाउंट बेटा अपने आप में पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा अकाउंट क्या है। अकाउंट वैसे तो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर अकाउंट का मतलब होता है ये, इसे कहते हैं अकाउंट, जो आगे चल के हम सीखेंगे। इस साइड को होता है डेबिट और इस साइड होता है क्रेडिट, यहाँ खर्चे वगैरह लिखे जाते हैं, हम लोग आगे चल के सीखेंगे बेटा। ये आज की क्लास में मैं अकाउंट समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अकाउंट का मतलब सिर्फ एक समझ लो टी शेप होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चल के बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इस पर ज़्यादा फोकस मत करो। जो जो टर्म मैंने जो सिखाए जो बताएं उन पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आज अकाउंट की पहली क्लास है। एक ही क्लास में आप महारथी नहीं बन जाओगे, बस जो जो नए नए शब्द मैंने बताए हैं उनको समझो, देखो, दिमाग में सेव करो, क्योंकि यही शब्द बार बार इस्तेमाल होंगे। हर चैप्टर में एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी का मैं यूज़ करूँगा, तो आपको एसेट्स पता होना चाहिए कि बिज़नेस की प्रॉपर्टी होती है, कैपिटल पता होना चाहिए कि जो पैसा बिज़नेस में लगाते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं, लायबिलिटी होता है जो हम किसी से कर्ज लेते हैं। तो ये सारे टर्म्स आपके दिमाग में सेव होने चाहिए विद मीनिंग, इनका मतलब क्या क्या है। तो आज जो जो चीज़ें मैंने बताई बेटा, घर जाके अपना चैप्टर टू खोलना है। चैप्टर वन नहीं पढ़ाया मैंने आज आपको बेटा, चैप्टर टू पढ़ाया है, उसको ढंग से जो जो चीज़ें समझाई हैं, एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस गेन डिस्काउंट परचेज रिटर्न सेल रिटर्न स्टॉक, ये सारे टर्म आप बेटा घर जाके पढ़ना। कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो बेटा। ये मेरा नंबर है 9811419806, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप और कॉल इसी पे होता है, कभी भी आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत है, ठीक है, एनी टाइम। ये फैसिलिटी 24 आवर्स है बेटा, कभी भी आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो डाउट, कोई चीज़ समझ में नहीं आई। आज मैंने आपको अकाउंट का चैप्टर टू समझाया है, अकाउंट का इंट्रोडक्शन दिया है, अकाउंट्स क्या है, क्यों करते हैं, एग्जाम्पल देकर समझाया था ज़रूरत क्यों पड़ती है करने की, क्योंकि बहुत सारी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती हैं, तो आप कुछ चीज़ें एक दिन में याद रख सकते हो, लेकिन जब वही पूरे साल की बात आएगी तो आपको याद नहीं रहेगा कब क्या हुआ था। तो उसी को हम सिस्टमेटिक फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, उसी को कहा जाता है अकाउंटिंग, ठीक है बेटा। चलो आज के लिए काफ़ी इतना बेटा, कोई सजेशन हो, कोई व्यूज़ हो, ज़रूर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना बच्चे।